नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिनिनम सल्फ्यूरिकम होम्योपैथी दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे किन सिम्टम्स, किन डिजीज में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दवाई को खासतौर पर दिया जाता है कानों से संबंधित रोगों में या फिर जॉइंट्स पेन में। इस दवाई को पेट से संबंधित रोगों में भी दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इन रोगों में, इन डिजीज में, किन सिम्टम्स में, किन लक्षणों में ये दवाई लेना सही रहता है। इस दवाई को खास तौर पर दिया जाता है टीनिटस में, कानों का वो इन्फेक्शन जिसके कारण पेशेंट को कम सुनाई देता है और बजिंग या रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। दवाई खास तौर पर दी जाती है लेफ्ट साइड के कान में। अगर टीनिटस की परेशानी आ रही है, पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है, वर्टिगो की शिकायत आती है यानी चक्कर पेशेंट को आते हैं, सिर दर्द की शिकायत आती है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव देती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। जॉइंट्स पेन की बात करें तो पूरे शरीर में पेशेंट को अगर जोड़ों में दर्द के साथ सूजन हो, भारीपन महसूस होता हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेकिन खास तौर पर इस दवाई को घुटनों के दर्द में दिया जाता है। राइट साइड की रिस्ट में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, राइट साइड के हाथ की कलाई में अगर दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई को मलेरिया फीवर में भी दिया जाता है। मलेरिया बुखार में अगर पेशेंट को शाम के 3 बजे के आसपास ठंड लगनी शुरू हो जाती है, साथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पेशेंट को गर्म कमरे में भी ये शिकायत आती है कि पेशेंट को ठंड भी लगती है शाम के समय और पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पेशेंट को शिवरिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में बुखार के, मलेरिया के ये मेडिसिन दी जाती है। और सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट को सिर में भारीपन रहता है बुखार में और खास तौर पर गर्दन या कंधे पर पेशेंट को ठंड लगनी शुरू होती है। वहीं पर ही पेशेंट को सोते समय पसीना ज़्यादा आता है और साथ में कई बार लोअर लिम्ब्स में यानी टांग्स में पेशेंट को ट्रेमलिंग्स की शिकायत देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन मलेरिया फीवर में दी जाती है। दवाई न्यूरेल्जिया में दी जाती है। चेहरे पर नसों में अगर दर्द होता है, खासतौर पर सुबह के समय पेशेंट को अगर ये दर्द देखने को मिले, प्रेशर से पेशेंट को चेहरे के दर्द में, फेशियल नर्व में आराम लगता है, तो ऐसे न्यूरेल्जिया में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। तो पेट से संबंधित रोगों में तब दिया जाता है जब पेशेंट को हार्ट बर्न की शिकायत आती हो, एसिडिटी के कारण वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हों, स्प्लीन पेशेंट का बढ़ गया है, लीवर में पेन रहता है, स्प्लीन में पेन रहता है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन दी जाती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को स्प्लीन तब बढ़े जब मलेरिया हुआ हो या मलेरिया के बाद पेशेंट का स्प्लीन बढ़ गया हो, तो ऐसे केसेस में दी जाती है। साथ में पेशेंट जब भी कुछ खाता पीता है तो एसिडिटी की शिकायत आ जाती है, पेशेंट को खट्टी डकारें आती हैं, बाइल्स की वोमिटिंग होती है। साथ ही पेशेंट जब भी खांसता है या पेशेंट गहरी सांस लेता है तो उसको लीवर रीजन में, स्प्लीन में दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, तो ऐसे केसेस में लीवर पेन में, स्प्लीन पेन में, नोजिया वोमिटिंग में, एसिडिटी में यानी हार्ट बर्न में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को खट्टी डकारें आ रही हैं तो उसमें भी राहत देती है। इसको पेशाब से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं जहाँ पेशेंट को यूरिया, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड पेशाब के थ्रू आ रहा है या कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में दी जाती है। नेक पेन में, गर्दन के दर्द में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को सर्वाइकल रीजन में अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, स्टिफनेस देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। गर्दन दर्द में इसे हम देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप होम्योपैथी दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों केस टेकिंग करने के बाद ही सही मेडिसिन, सही पोटेंसी, सही डोजेस का डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी, उसकी सही पावर क्या होगी, लेने का सही तरीका आपको क्या होगा, क्योंकि अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं।